गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज एक थोड़ा सा लेजी वाला डे है जिसकी मॉर्निंग बहुत लेट शुरू हुई है मेरी। मैंने जस्ट अभी शावर लिया और उसके बाद अपना बेसिक स्किन केयर जो मॉर्निंग का होता है वो कर रही हूँ। सनस्क्रीन लगाना मस्ट है, तो सनस्क्रीन मैं सबसे बोलती हूँ, घर में भी बोलती हूँ और आप लोगों से भी कह रही हूँ कि सनस्क्रीन प्लीज़ डेली अप्लाई करा करिए शावर लेने के बाद। एटलीस्ट फेस पे तो लगाइए, फेस और नेक पर, और कोशिश करिए कि हाथ पे भी लगाइए। और बस अभी इधर मुझे इच्छा हो रही थी एक कॉफ़ी पीने की, क्योंकि आज का दिन मेरा थोड़ा लेट शुरू हुआ था। आलोक जा चुके हैं ऑफिस, मैं सोती रही थी थोड़ी और देर तक, तो अब मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं एक कॉफ़ी बना के पीऊँ। तो सबसे पहले मैंने ये कर्टन्स खोले हैं और इनकी जो विंडो है वो जाली वाली कर देती हूँ दोनों की, तो बहुत अच्छी वाली धूप आती है रूम में। और अब चलिए बना लेते हैं एक कॉफ़ी, क्योंकि अभी डाइट शुरू नहीं करी है जब से वापस आए हैं मथुरा से। तो अभी ये जो बाहर वाली कॉफ़ी होती है मेरे पास, बहुत सारा स्टोरेज है, अभी तो खर्च भी नहीं हो रहा था क्योंकि मैं बहुत दिन से डाइट पर थी तो ब्लैक कॉफ़ी ही चल रही थी। लेकिन अभी चल रही है खाना पीना अच्छा बढ़िया वाला। तो अभी हमने एक कप बढ़िया वाली कॉफ़ी बना ली है अपनी। आई जस्ट लव दीज कॉफीज, बहुत ही पसंद है मुझे ये। तो इनको लेकर मैं आ गई हूँ मेरी फेवरेट प्लेस। अब हम आ गए हैं वापस अपनी फेवरेट प्लेस किचन में और लंच की फटाफट कर लेते हैं तैयारी। बहुत सारी पुरानी छाछ और दही है मेरे पास, तो मुझे लगा आज कढ़ी चावल बनाना चाहिए, तो मैंने इधर चावल भिगो दिए और अब मैं बेसन को एक बार भिगो के रख रही हूँ। थोड़ी देर बेसन भी भिगो देती हूँ मैं, मैंने देखा है उससे थोड़े सॉफ्ट बनते हैं पकौड़ियाँ जो होती हैं। जब तक बेसन भिगेगा तब तक हम अपने ये फटाफट से बर्तन जमा लेते हैं जो टोकरे में सुबह शाम मच के रख तो जाते हैं लेकिन सेट खुद को ही करने हैं। तो पहले एक बार ये काम कर लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करेंगे कुकिंग वाला अपना प्रोसीजर। बड़ी जल्दी टाइम निकलता है सर्दियों में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इधर मैंने मेरी दूध की भगोनी खाली करी है, इसी में छाछ डाल रही हूँ, कढ़ी इसी में चढ़ा दूंगी। और मैंने ये थोड़ा सा गर्म तेल डाला है बेसन में, इससे भी पकौड़े थोड़े से सॉफ्ट बनते हैं। तो ये सिक गए हैं पकौड़ियाँ। उधर मैंने चावल भी चढ़ा दिए, कढ़ी के लिए तो चढ़ा ही दिया था छाछ। अब इसमें ये डाल देते हैं हमारी पकौड़ियाँ। अभी आप देखिएगा क्या मस्त डबल साइज़ की हो गई हैं ये थोड़ी देर में पकते पकते। मुझे कढ़ी हमेशा थोड़ी थिक और गाढ़ी वाली पसंद आती है, पतली पतली वाली मुझे बिल्कुल रिलिश नहीं होती। ये देखो आप क्या बढ़िया डबल साइज़ हो गई है पकौड़ियों की, बहुत ही टेस्टी बनी थी बाय गॉड। आप में से कितने लोगों को पसंद है? और ये दोपहर में आलू आ चुके हैं और रश्मि मैडम भी आ गई थी, ऊपर से सैटरडे है तो उनका स्कूल ऑफ था, तो हम दोनों मस्ती कर रहे थे, चिड़िया गिलहरी देख रहे थे पेड़ पर। उसे मेरे साथ मज़ा आता है और मुझे उसके साथ बहुत मज़ा आता है, मुझे तो दोनों लड़कियों के साथ मज़ा आता है। एक राम थी एक शक्ति, दोनों सुरभी दादी के रहती थी और एक सुरभी दादी आता चाचा मम्मा दादा मुझे लेने आते थे। ओके डार्लिंग, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम यू आर टेलिंग समथिंग टू कैमरा? यस आई एम। लेट्स स्टॉप।
आपने स्टोरी सुनाई टू गर्ल्स की? मुझे भी ले। क्या है ये? लिपस्टिक। नो इट्स नॉट लिपस्टिक डियर, इट्स लिप बाम ओनली। विंटर्स आर कमिंग सो आवर लिप्स गेट ड्राई। ओह, हु इज बार्किंग? बिंगो। बिंगो, हु इज बिंगो? डॉगी। Like doggy is werewolf. Who's doggy, Bingo? Bingo is like me. Tell me your school dance practice. To camera. Show to camera. What's it? Dance practice. हाँ, come. भूल गई. वंदे मातरम. हाँ, करके दिखाओ. वंदे ऐसे. कैसे? ठीक से करो ना, सब देखेंगे कैसे करना है. वंदे ऐसे. नहीं समझ में आ रहा ना? वंदे माँ. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे ऐसे। आप तो आउट हो गई कैमरा से। वंदे मातरम वंदे मातरम ऐसे। समझ में भी नहीं आ रहा आप क्या कह रही हो। वंदे मातरम। अच्छा, वो पीछे फोटो में कौन है? रज्जू बाबा से भी दादी। कैसे लग रहे हैं? अच्छे। आपने रज्जू बाबा से बोला आई लव यू, आई डोंट लव सुरबीर दादी। यस आई लव। नो यू डोंट। ना यू टोल्ड रज्जू बाबा आई डोंट लव रज्जू बाबा, आई लव यू। यू आर अ वेरी स्मार्ट गर्ल। ओ माय गॉड योगा हो रहा है। योगा करो ना। योगा मैंने कर दिया। तुमने कर दिया? अब मैं तुमको एक स्टोरी सुनाती हूँ टू गर्ल्स की। टू गर्ल्स थी और दोनों ही बहुत गंदी थी। नहीं। क्या नहीं? शोला गंदी नहीं थी। मैं अच्छी कहानी सुनाओ। अच्छा ठीक है, अच्छी वाली कहानी है। ठीक है, टू गर्ल्स थी और वो दोनों ही अच्छी थी। ठीक है। तो अस्मी के साथ मस्ती करने के बाद अब यह है मेरा लंच टाइम और हो चुकी है शाम। वापस आ चुके हैं हम किचन में। विंडो बंद करते हैं पहले और उसके बाद जमा देते हैं फिर से ये बर्तन। ये तो हर दिन के किस्से हैं, लेकिन मुझे लगा कि पहले मुझे सॉक्स पहन लेना चाहिए क्योंकि आज मुझे ठंड फील हो रही थी पैरों में। फर्स्ट टाइम था ये विंटर का, मतलब इस विंटर का, कि मुझे लगा कि पैरों में सॉक्स चाहिए मुझे। तो मैंने फटाफट से आधार की अलमारी में से ही निकाल के पहन लिए सॉक्स, क्योंकि मेरे तो पता नहीं अभी कहाँ हैं। और अस्मी के चक्कर में मेरी स्लैब भी क्लियर नहीं हुई थी, मैंने प्लेटफॉर्म साफ नहीं किया था, तो फिर वो अभी शाम को किया मैंने, क्योंकि लेजी डे था तो लेजी लेजी ही चल रहा था सब कुछ लेट लेट। और उसके बाद क्योंकि कल संडे होने वाला है तो थोड़ा सा अच्छा ब्रेकफास्ट कुछ बनाएंगे, या तो लंच में बनाएंगे या ब्रंच में बनाएंगे, लेकिन सोचा था कुछ अच्छा बनाएंगे सीजन का। मैंने चढ़ा दिया ये आलू बॉईल होने के लिए, क्योंकि मुझे वो फ्रेश वाले बॉईल आलू नहीं चाहिए थे, एक दिन पहले से उबले हुए थोड़े सही रहते हैं। और मैंने लिया था सुबह को बथुआ, तो वो निकाल लिया क्योंकि अभी शाम में टाइम था थोड़ा, तो उसको तोड़ के और क्लियर करके रख लेते हैं। तो हम आ गए बाहर बरामदे में, एक अमरूद भी खा लिया क्योंकि लग रहा था कि डाइट शुरू करें वापस उससे पहले, जितने जल्दी जल्दी ये चीज़ें हैं ना जो मौसम वाली, वो एक एक बार तो खा ही लूँ एटलीस्ट, क्योंकि फिर एक डेढ़ महीने तक जो अगर डाइट करूँगी तो ये सब चीज़ें मिलेंगी नहीं। हेलो एंड गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सुरभि ब्लॉग्स। आज का ये बहुत एक लेजी वाला सैटरडे था। स्किन कितनी ड्राई होने लगी है अभी से, लिप्स बहुत अच्छे से ड्राई होते हैं मेरे, 3-4 बार आज मैंने लिप बाम लगाया है। अस्मी के साथ मस्ती कर रही थी तो वो जाते जाते मुझसे बोलती है कि मेरे को अपना ही लिप बाम दे दो, हाथ में होल्ड करके रखूँगी बस, खोलूँगी नहीं। मैंने कहा ना बेटा, ये तो ना दे पाऊँ, तू लिपस्टिक ले जाए मेरी कोई, लेकिन मैं लिप बाम तो नहीं दे सकती। मैंने फटाफट से इस बथुए को धो के और उबलने के लिए चढ़ा दिया, क्योंकि फिर वही है, टाइमली आप काम कर लेते हो तो आपको नेक्स्ट जो डे छुट्टी वाला होता है वो थोड़ा शॉर्ट मिलता है। तो इधर हमने चढ़ाया था ये हमारा बथुआ और साथ में चढ़ा ली थी
गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, दूध वाली, क्योंकि अगेन द सेम थिंग कि अगर डाइट शुरू कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि चाय भी पी लूँ, फ्रूट भी खा लूँ। हालांकि चाय की टेम्पटिंग मैं देख रही हूँ कि मेरी कम हो गई है पहले से, लेकिन स्टिल कभी कभी तो, और स्पेशली ये जो विंटर्स आने लगती हैं, अभी तो और बढ़ेंगी सर्दियाँ, तब की तब से देखेंगे, लेकिन आज वाली चाय तो बन गई। और जो ये ऊपर की जो छन्नी में आती है ना अदरक, मैं इसको एक बार चम्मच से स्क्वीज करके और नीचे लेती हूँ। आप में से कौन कौन ऐसे करता है मुझे बताना ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में। अदरक का अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें। खाना हमने मंगाया था टिप्सी रेस्टोरेंट से, और जितने हमने डाइट शुरू करने के प्लान्स बनाए थे उनका क्या हुआ नतीजा, अगर आपको देखना है तो कल वाला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, कल मतलब संडे वाला। इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। टेक केयर, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए।